नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं कृतिका आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। खरगोन के निजी कॉलेज में दो दिन से चल रहे स्नेह सम्मेलन के तीसरे दिन हुआ समापन। अंतिम दिन किया गया विद्यार्थियों को पुरस्कृत। अमेठी में अपने हिस्सा मांगने को लेकर जेठ ने महिला को पीटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निजी कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर किया गया जागरूक। खरगोन शहर के एक निजी कॉलेज में दो दिन से चल रहे स्नेह सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी और कॉलेज के प्राचार्य सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कॉलेज की जो भी समस्या है उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर वर्ष भर के खेलकूद गतिविधियां सहित अनेक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान लगभग 200 छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 6 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता छात्राओं के विशेष रूप से रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई और वाद विवाद और तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता। और फिर 7 तारीख को पूरा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, उसमें एकल गायन, एकल नृत्य, युगल गायन, युगल नृत्य और संगीत, सारी चीज़ें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जितनी विधाएं होती वो प्रातः 11 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक की गतिविधियाँ चलती रही। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को उसके ही जेठ ने बुरी तरह पीटा। महिला ने अपना हिस्सा मांगा था, इसी बात को लेकर महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। महिला ने बताया कि उसका पति बाहर रहता था और उसका जेठ सुल्तानपुर कचहरी में वकालत करता है। वकालत की दम पर वह महिला को हिस्सा नहीं दे रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि आज सुबह जब 8 बजे महिला अपना हिस्सा मांगने गई तो उसको मारा पीटा गया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। जब मामला थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। हिस्सा के मामले में हमको मारने की कोशिश की। किसने? राममिलन यादव एडवोकेट, उनकी पत्नी राजपति, उनकी बहू शशि, तीनों मिलकर मेरा गला दबाकर एकदम से मारने की कोशिश की। क्या लगते हैं आपके? हमारे जेठ लगते हैं और जेठान जेठानी की बहू। आपके पति? रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के एक निजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस बीच छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जागरूक करने की बात कही। उनका कहना है कि महिलाओं ने जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अपने साहस और परिश्रम से सफलता हासिल की है, उसी प्रकार सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए महिलाओं को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी संकल्प लिया। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। धार में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना इंदौर अहमदाबाद रोड की बताई जा रही है, जहां एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम कालू सिंह और दीपक बताया जा रहा है। दोनों खंडलाई से इंदौर की ओर जा रहे थे, तभी नौगांव थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। धार जिले के कुक्षी तहसील में आने वाले डेहरी में रहने वाले एक परिवार के यहाँ करीब हथियार से लेस 25 से अधिक बदमाशों ने धावा बोला। परिवार वालों का कहना है कि बदमाशों ने अलमारी के ताले चटका कर करीब 5 लाख का सोना चांदी एवं नकदी ले जाना बताया है। वहीं हथियार से लेस बदमाशों ने गोलियां चलाकर लोगों को डराकर बाहर नहीं निकलने पर मजबूर कर दिया। पत्थर, गोली और हथियार चलाकर लोगों को डरा धमका कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरियों की वारदात से तंग आकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक का जाम करने के बाद क्षेत्र के SDM, SDOP, TI घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान आला अधिकारियों ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। रात में चोरते आए, शटर को तोड़ दी, हम तो दो जन खोले, हम जरा नहीं खुल, वो तो बस इनको धक्का दी, हमको अंदर घसा दे ना, सब वो कान ये ना सब तोड़े ना, भराभर भीतर घुस गए ना, मारने लगे हमको ना, ऊपर से आवाज आई, नीचे से आवाज आई, ऊपर से हम नीचे आए, 6-7 लोग थे, मम्मी पापा को घेर लिया था और हथियार रख दिए थे और चाबी उन मंग रहे थे, वो मारने लगे और सब सामान ले गए। चोर चिल्ला चोट हुई और ऊपर गोली फायर हुई, बाहर झांकने लगे चोर चिल्ला चोट करी तो समझ। रात को डेहरी नगर में
15 से 20 लोग डकैती के लिए आए थे और डकैती करने के हिसाब से, तो जो लोगों को मालूम पड़ गया तो और पुलिस फोर्स पहुंच गया तो भाग निकले, लेकिन कुछ लूट हुई है और उसके विरोध में कि नगर में जो है इस तरह की घटना नहीं हो, ये मांग थी ग्रामीणों की। और दूसरा ये था कि चूँकि यहाँ पे डेहरी में है तो उसमें पुलिस फोर्स बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सात प्रदेश।